खरगोन के न्यू लकुश विहार कॉलोनी की महिलाओं ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कॉलोनाइजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कलेक्टर कार्यालय जाकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। हम आपको बता दें कि शिकायत करने पहुंची रहवासी महिलाओं ने इस बात का खुलासा किया कि प्लांट बेचते समय कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया था, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं देने के साथ साथ कमर तोड़ बिजली का बिल थमाया जा रहा है। ऐसे में स्थायी बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अस्थायी कनेक्शन होने से हजारों रुपए का बिजली बिल थमाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर वो शिकायत करने पहुंची हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। न्यू लकुश कॉलोनी मिथुन नगर के पीछे वाली कॉलोनी, वहां से आए हैं वो। हमारे कॉलोनाइजर ने बोला था कि हम लोगों को पूरी कॉलोनी को पूरी सुविधा करवाएगा, वो लाइट भी वगैरह मतलब बोर्ड वगैरह सब कुछ डायवर्शन करवाने का बोला था। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग किस्त भरें 15,000-20,000 या फिर हम लोग मतलब बिजली का बिल भरें और हमारा घर कैसे चलाएं, तो वो समस्या है हमारी। तो कलेक्टर साहब से हमारी यही मतलब निवेदन है कि हमारी समस्याओं का निराकरण। अभी आप आपसे मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आपका काम मतलब करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा डावा। 9 लोग किस बिहार से आए हैं। हमारी समस्या है लाइट का। उसने बोला था लाइट करवा दें, बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, करवा दूँ करके 4 साल से बोला था। हमने फाइल लगाई, ना फाइल लगाई ना हमारे घर में जाके देखा, ना नल का साधन है ना लाइट का साधन। तो अभी लाइट कहाँ से आ रही? कितने कितना बिल आ गया? 14,000 एक एक महीने। क्या मांग कर रही आपने? हमारी समस्या हल होना, स्थायी कनेक्शन मिलना चाहिए। सर मैडम से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम ने बोला कि मैं बात करती हूँ, फिर बता। क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।